रविवार की रात एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च सूर्या मॉल चौक, स्मृति नगर होते हुए अवंतीबाई चौक, जुनवानी चौक, केपीएस चौक, नेहरू नगर चौक, मुर्गा चौक सेक्टर 1, पुलिस पेट्रोल पंप सेक्टर 6 भिलाई, नेवई थाने के सामने पटेल चौक दुर्ग होते हुए वापस सूर्या मॉल चौक पहुंचा। रविवार देर रात दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने 12 बजे के बाद खुले मिले 4 बार को बंद कराया। इसके साथ ही ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग में दर्जनों लोग 140-200 mg तक अल्कोहलिक मिले। इसमें रेंज रोवर गाड़ी में शराब के नशे में घूमते भिलाई के कांग्रेस नेता व एनएसयूआई का पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल सिंह को भी पकड़ा गया। कांग्रेस नेता ने एसपी से काफी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक ना चली। एसपी ने उसका अल्कोहल टेस्ट कराया, जिसमें वह शराब के नशे में मिला। एसपी ने उसे नशे की हालत में ड्राइव न करने की नसीहत दी। इसके बाद उसका चालान काटकर जाने दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि पुलिस कलेक्टर से अनुरोध की जाएगी कि आबकारी विभाग देर रात खुलने वाले बार पर कार्यवाही कर उनका लाइसेंस रद्द करे। आज स्मृति नगर थाने में पहले थाने का क्राइम का पूरा पर्यवेक्षण किया गया और पूरी मीटिंग लेने के बाद आज स्मृति नगर थाना क्षेत्र के सारे चौक चौराहों पार्क की चेकिंग की गई और वहाँ पे जो दुकान खुले हुए थे उसको बंद कराया गया। उसके बाद सूर्या मॉल के पास जो है जो गाड़ियाँ जा रही थी उसकी अल्कोहल टेस्टिंग कराई गई। काफ़ी लोगों के अल्कोहल 100 से भी ऊपर पाए गए, 100 mg पर डेसीलीटर से, जो कि बहुत ही चिंतनीय बात है, क्योंकि शराब के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाने से खुद की जान को भी खतरा है और दूसरों की जान को भी खतरा है, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट्स में लोगों की जान जा रही है। इसलिए अवेयरनेस करके लिए अभी हमारा एक कैंपेन चल रहा है आने वाले समय में, उसके बाद फिर विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। अभियान में अभी पहले हमारा जागरूकता का रहेगा, जागरूकता के बाद भी यदि लोग नहीं संभलेंगे तो उसके बाद उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ड्रंकन ड्राइविंग से अपनी जान को और दूसरों की जान को भी खतरा होता है।